परिधान मंत्री जी श्रीमान मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे महिला को प्रताड़ित करना, महिलाओं की सुनवाई न होना, महिलाओं को शोषण करना, ऐसी सारी चीजें। और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी कहे थे। तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, का है ये, का बूझ रहे आप लोग जी? ये नारा है, ये नारा नहीं है, आप लोग बूझे नहीं, ये मोदी जी की चेतावनी है के भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। हमने पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाओ, बाहर मत निकालना, क्योंकि भाजपा की सरकार चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ज्यादातर बेटियां खेतों में क्यों पाई जाती है। उनका कहने का अर्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो। और इसीलिए आप सब ने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था, खेत में दलित बिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर। शासन प्रशासन ने रात को चुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था, न परिजन जनों को बुलाया और ना ही किसी पत्रकार भाई को जाने दिया। यह हम सबको याद है, हम भूल नहीं सकते, इसीलिए यह चेतावनी है। आप सभी को पता होगा चिन्मयानंद जी मुमुक्षु आश्रम चलाते हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाला। यहां तो मौत को देने वाला है। बिटिया को प्रताड़ित करेंगे भगवा पहनकर, भगवा पहनकर आप बिटिया को प्रताड़ित करेंगे धर्म के आड़ में, और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि बेटी बचाओ। बेटियां नारायणी स्वरूप होती है ये महिलाएं। और नारायणी से मुझे याद आया है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को नवरात्रि की भी बधाई देना चाहती हूं और कहती हूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः के सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि माता जी का आह्वान किया है, तो देवाधिदेव महादेव जी का भी आह्वान करते हुए कहना चाहती हूं कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थाणवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, जन्मने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वंदस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्र नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरीभर्ताय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव व्यवहार। के अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवा धारण करके राक्षस बन के जो सीता को हरण करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जैसे आप सब ने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपुर के बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी। कैसे? शासन प्रशासन की मिलीभगत नहीं है, अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है, तो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती कैसे हो जाती है? कैसे 15 अगस्त को माननीय मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिल्किश बानू के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं?
बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, माला पहनाई जाती है बलात्कारियों को। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों को बखूबी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के यहां मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु है, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, है मोदी आपको हम नाम देते हैं मोदी मल्ल। मल का क्या मतलब होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल नाम देते हैं आशाराम बापू जो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते, थकते नहीं। ये स्थिति है महिलाओं की। 12-12 किलोमीटर तक बेटियों को घसीटते हैं भाजपा के नेता। ये स्थिति है महिला की। इसीलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ।